आज एक बड़ा खुलासा हुआ और बड़ा खुलासा सर जी के माध्यम से, बड़ा खुलासा आरटीआई में, बड़ा खुलासा केजरीवाल सरकार ने जुलाई 2020 से एक भी वेंटिलेटर नहीं खरीदा। ये बात आज समझ में आई बड़े बड़े जो चैनल्स हैं, बड़े जो वो हैं, और 13 तारीख को समझ में आई। हमने इस बात को आपको कब बताया था? मेरे ख्याल से बहुत पहले बताया था ना, इस बात को हमने शायद आपको बहुत पहले बता दिया था। कितने दिन पहले बताया था कोई बताएगा? तो हमने कितने दिन पहले बता दिया था कि भाई नहीं खरीदा एक भी? आज मेनस्ट्रीम मीडिया को पता चल रहा है, ठीक है, थोड़ा देर से चल रहा है, कोई बात नहीं, चल तो रहा है, तो अपन सही थे ना, गलत तो नहीं थे, ठीक है। कोविड का माहौल चल रहा है, कोविड के माहौल में आखिर लोग बार बार पूछ रहे हैं आरएसएस कहाँ है। हमने कहा हम भी ढूंढें, मिली हमको आरएसएस, ये पैकेट बनाते मिले, मिल गए आरएसएस वाले, और भी मिले, कई सारी जगह मिले, ये मिले, ये टोपी वाले लोग, भगवा टी शर्ट वाले लोग, खाना बनाते पैक करते यहाँ पे भी मिल गए। तो लोग जो पूछ रहे हैं कि आरएसएस वाले कहाँ हैं, उन्हें कोविड में नज़र नहीं आ रहे, तो ये काली टोपी वाले लोग मिल गए, ठीक है। तमाम सारी जगहों पर आपको ये काम करते हुए मिल जाएंगे। अब तमाम सारी जगह कौन सी होती है? आरएसएस देश के 43 शहरों में चला रहा है कोविड सेवा केंद्र, 43 शहरों में कोविड सेवा केंद्र चला रहा है आरएसएस। ये लोग पूछ रहे थे आरएसएस के बारे में, आरएसएस क्या कर रहा है, हमने कहा बता देते हैं। तो आरएसएस ये काम कर रहा है। अब आरएसएस इतने काम कर रहा है तो उसका मुकाबला कैसे करें? मुकाबला करना बड़ा टेढ़ा काम है भाई। लोग उतर आए मैदान, बोले मुकाबला करेंगे, कैसे करेंगे वो भी दिखा देते हैं आप, सुन लीजिए, मुकाबला बड़े ज़ोर से होने वाला है। आइए ज़रा देखिए साहब, एक और क्लब हाउस मीटिंग लीक हो गई। ओके, बाकी कोई स्पीकर कुछ कह रहे हो? इस्तीफान जी कुछ कह रहे हो? हेलो, मैं क्वेश्चन पूछ लूं प्रतीक सर से? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है सर। अंकित आई थिंक है, हाँ अंकित है, अंकित अभी अंकित लाल थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि आगे मैं उन्हें कर दे रहा हूँ, ताकि मतलब मैं उनको सही इंटरप्रेट कर रहा हूँ या नहीं है, मतलब कम से कम वो बता पाए प्रतीक सर। तो अंकित ना, अंकित लाल थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि आरएसएस जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन को काउंटर करने का एक तरीका हो सकता है कि आप उनको मॉक करें, जैसे मतलब राइट विंग ने या बीजेपी ने, आरएसएस ने राहुल गांधी को मॉक किया तो ही लॉस्ट द क्रेडिबिलिटी आफ्टर अ वन पॉइंट ऑफ टाइम। आप इतने लंबे टाइम से फैक्ट चेक करते रहे सर, तो आप ही बताएंगे क्या कि ये जो मतलब पूरा फैक्ट चेक है वो किसी तरीके से जब एक एक मिस इन्फॉर्मेशन का काउंटर इन्फॉर्मेशन आता है तो वो रीडर की परसेप्शन को चेंज करता है सर? जो आप मतलब आपके आपके एंड पैसा आया है कि ऑडियंस का रिएक्शन जो है वो फैक्ट चेक के बाद बदलता है? तो साहब आरएसएस को काउंटर करने के लिए आरएसएस को मॉक करेंगे, मजाक उड़ाएंगे, आरएसएस का क्रेडिबिलिटी चली जाए, फैक्ट चेक कर देंगे, वो तो बहुत टाइम से चल रहा है, कोई नया तो है नहीं, है ना। खैर सफल नहीं हो पा रहे बेचारे। लेट्स कम बैक टू आरएसएस। तो आरएसएस को काउंटर कैसे किया जाए? आरएसएस काम कर रहा है, उसको काउंटर कैसे करें? उसका मजाक उड़ाएंगे, उसका मॉक करेंगे, इसलिए गाली दी जाती है। समझ में आ गया वरल पटेल जी, आपने बार बार पूछा था, ठीक है। तो आरएसएस ये कर रहा है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? हम रोज़ आपको कुछ ना कुछ दिखाते हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई आप क्या कर रहे हो, बहुत सारे लोग तमाम सारे कमेंट भी करते हैं, हालांकि हमें उन कमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सेवा परमो धर्म समझाने के लिए धन्यवाद सेवा भारती। तो हुआ क्या? हुआ ये कि भाई आखिर इस कमेंट की क्या ज़रूरत पड़ी और इसकी क्या ज़रूरत पड़ी? तो हुआ ये, एक फ़ोन आया, एक तो इन लोग का फ़ोन आता तो दिमाग में घंटी बज जाती, और बातों बातों में पता चला कि भाई, तो फ़ोन आया और मुझसे बोले कि भाई ऐसे ऐसे करके एक आश्रय भवन बना रहे हैं। ये किस लिए भाई? बोले जो लोग पेशेंट जो आते हैं उनके जो अटेंडेंट होते हैं उनको कहीं रहने की जगह नहीं मिलती, तो हॉस्पिटल परिसर के अंदर एक जगह है, वहाँ पर ये पूरा चलाएंगे, सेवा भारती इसको चलाएगा। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है। अब अच्छी तो बोलते हैं, पर मेरे अंदर दिल के दुख हुई। मैंने कहा अभी ये बोलेंगे आप भी आ जाओ भाई सब मदद करने, और मैं तो निकलने वाला हूँ नहीं। तो मैंने कहा मैं क्या सेवा कर सकता हूँ बताइए? बोले लाइट वाइट की व्यवस्था। मैंने कहा अलग सब करा लो आप, मैं खटाखट पैसे दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, आप तो सब करा लो फटाफट। थोड़ी देर बाद फोन आया, वो बोले वो बल्ब चाहिए। मैंने कहा एलईडी ले लो आप, जितने लेने ले लो। बोले 30-35। मैंने कहा लो आप आराम से लो। फिर फोन आया, बोले कि उन्होंने एलईडी बल्ब तो किसी और ने दे दी। मैंने कहा मरवा दिया। फिर फोन आया, बोले जी कूलर के लिए। मैंने कहा जी कूलर ले लो आप। अरे अपन तो ये सोच रहे भाई जान बचे, जाना नहीं पड़े, ड्यूटी लग जाएगी तो अभी आफत हो जाएगी, कौन जाएगा उस लफड़े में। तो बहरहाल कूलर बदल के, फिर बोले कूलर कैंसिल। हमने कहा मरवा दिया। फिर कुछ नया रट्टा हुआ, बोले पंखे दे दो जी गर्मी लग रही है। मैंने कहा पंखे लो जी। बोले इतने उतने 10 पंखे ले। मैंने कहा 10 पंखे लो जी। बोले कौन से? मैंने कहा जो मना है सो ले लो यार, अभी तो प्राण छोड़ो। मनी मन मैंने सोचा, मैंने कहा ये आफत आ गई, मैंने कहा कैसे ना कैसे बचो भाई इनसे, जो मना है भाई साहब वो ले लो। बहरहाल पंखे उनके जो ले लिए, दुकानदार को फटाफट अपन ने ऑनलाइन ट्रांसफर बनाया, नमस्ते करो भाई, पंखे पहुँच गए।
उन्होंने उठा लिया वहाँ से, मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, जान में जान आई, पंखे उड़ गए, चलो। फिर फ़ोन आया दोपहर में, मैंने कहा अब ये कलेश, मैंने कहा गुरु आज कोई ना कोई लफड़ा होना है, दिन ठीक नहीं है आज का। चलो भाई साहब फ़ोन तो उठाना ही पड़ेगा, तो फ़ोन उठाया, बोले भाई साहब पंखे आ गए, मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है भाई साहब पंखे आ गए, मैंने कहा लगाओ फटाफट सोच कर, बोले ऐसे कैसे, बोले आप आ जाओ, मैंने कहा मेरे आने का क्या मतलब, पंखे आ गए मैं थोड़ी घूमूंगा, पंखा घूमेगा मेरा क्या करना है, बोले नहीं ऐसे नहीं ले पाएंगे आपको आना पड़ेगा। अब मैंने कहा गुरु मर गए, ये बड़ा गड़बड़, मैंने कहा भाई साहब ऐसे काम चला लो आप, तो मेरे बिना ही चला लो आप ही समझ लो आपने, बोले ना ना आना ही पड़ेगा। अब गए साहब, वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग हॉस्पिटल की चारों तरफ है, ऊँची ऊँची नई नई बिल्डिंगें बनी हुई, उनमें से गाड़ी निकाल के जाना, वो भी टू व्हीलर, खुले में चौड़े में, और उन बिल्डिंगों पे से कोरोना झांकता हुआ मुझे देखता हुआ आ गया, बड़े दिनों बाद आया है, सोचो मेरी क्या स्थिति हुई होगी, लार टपकाता हुआ कोरोना बिल्डिंग से झांकता हुआ, और मैं गरीब एक स्कूटी पे जाता हुआ, मैंने कहा गुरु आज मर गया। मैंने गाड़ी लगाई और बिल्कुल सटाक से सीधे अंदर, मैंने कहा बिल्डिंग में पहले अंदर घुसो जान बचाओ, वहाँ देखा वहाँ भी बहुत सारे लोग, मैंने कहा भैया नमस्ते नमस्ते करो सबको, मैंने कहा दिया दवाया, उसके बाद मैंने कहा चलो भैया मैं चलता हूँ, आपको हाथ लगवाना है लगवा लिया, चलो अब मैं चलता हूँ, बोले ऐसे कैसे अंदर देख के तो जाइए, दिखाया साहब अटेंडेंस वगैरह, तो अटेंडेंस वगैरह को देखा, और जिस तरह से अटेंडेंस मतलब एक तो कहते हैं ना खुशी जो उनके अंदर होती है, जिस आशा भरी निगाहों से वो देखते हैं कि कोई आया तो हमारे को कोई देखने आया, वो आपका परसेप्शन ही चेंज कर देता है। क्यों ये लोग काम करते हैं पता है, उसका एक कारण बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी बड़ा डरता हुआ गया था, मैं तुरंत वहाँ से भागने के मूड में था कि इसराइल के रॉकेट की तरह मैं भी वापस सीधे यहाँ से निकल जाऊँगा, लेकिन जैसे ही वहाँ गया देखा लोगों का भाव, देखा लोगों को काम करते देखा, तो एकदम से आपके मन के भाव भी बदल जाते हैं। फिर मैं तकरीबन वहाँ 2-2.5 घंटे में बैठा रहा, मैंने कहा चलो देखते हैं भैया आप एक्सपोज होंगे तो होंगे, क्या कर सकते हैं, अपना प्रयास ये होना चाहिए कि जो कर सकते हैं वो करा जाए। तो ये एक छोटा सा फ़र्क है जो सेवा भारती आज मेरे मन में भी लेकर आया, क्योंकि मैं भी बड़ा छुप कर रहता था, लेकिन भाई कब तक छुप कर रहोगे, एंड द पॉइंट इज एट अ सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू डिसाइड कि आपको दूसरों के लिए सेवा करनी है या नहीं करनी है। जब आप दूसरे से जो सेवा जिनके आप करते हो उसमें जो सुकून मिलता है, उसमें जो आत्मसंतुष्टि मिलती है, वो किसी भी चीज़ में नहीं मिलती। तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य कि आज सेवा भारती के माध्यम से मुझे भी सेवा करने का मौका मिला। तो एक पोस्ट भी फेसबुक पे हमने इस बाबत डाली थी, इसलिए नहीं डाली कि किसी को ये हो, लेकिन लोगों को प्रेरणा मिले। तो ये सेवा भारती का वो आश्रय स्थल है जहाँ रुकने की व्यवस्था की गई है सभी लोगों के लिए, और इसको सेवा भारती इसको चला रहा है। भाई सेवा भारती के लोगों को नमन है, आप लोग आरएसएस के लोगों को नमन है, भैया बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं वाकई में। मैंने आज जिस तरह से अटेंडेंट्स को देखा, बेचारे बड़े परेशान बड़े हैरान रहते हैं कहाँ जाएँ किधर रुकें, लेकिन खाने की व्यवस्था करना, उनके रहने की व्यवस्था करना, गद्दे लगाना, बेड लगाना बड़ा टिपिकल टास्क होता है, गंदी पड़ी हुई बिल्डिंग को खोल के साफ करना, बिजली की व्यवस्था करना, तार खराब है नई केबल डालना, सब काफ़ी मेहनत का काम है, लेकिन बहुत अच्छे से आप लोगों ने किया। सुभाष राणा जी कहते सर आरएसएस इंक्लूडेड मुस्लिम एंड क्रिश्चियन, इज इट नॉट हिंदू संस्थान एनी मोर? सुभाष राणा जी सारी अलग अलग प्रकल्प है, अलग अलग प्रकल्प का अलग अलग काम है, और मुझसे सवाल पूछने से ज़्यादा बेहतर होगा कि आप आरएसएस से जाके सवाल पूछें। तो आप कब जा रहे हैं सवाल पूछने, मुझे ज़रूर बताइएगा। ज़रा लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों से, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जो बोल दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और बगल वाली घंटी बजा लें, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा जब घंटी बजी होगी बगल वाली, है ना, उसमें दो एरो बनकर आ जाता है साइड में, और है ना, तो घंटी बजे का निशान देखना लगता है, हाँ घंटी बज गई। इसके अलावा